की सुनवाई। जस्टिस बोबड़े बोले बातचीत से निकलना चाहिए हल, फैसला रखा गया सुरक्षित। आतंकियों के सफाई पर सबूत मांगने पर बोले वीके सिंह, अगली बार विपक्षी नेताओं को विमान से बांधकर ऑपरेशन करने जाएं। और एलओसी पर पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी, नौशहरा सेक्टर में जबरदस्त गोलीबारी की गई, वहीं इससे पहले राजौरी और सुंदर बनी में भी पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलीबारी। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करें लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन नौशहरा सेक्टर में किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको रूबरू करवा रहे हैं, जम्मू कश्मीर के नौशहरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर उल्लंघन किया गया है। इससे पहले सुंदरबनी सेक्टर और राजौरी सेक्टर को भी पाकिस्तान ने अपना निशाना बनाया था। हालांकि भारत लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, भारतीय सेना की तरफ से लगातार मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गोलीबारी का सिलसिला लगातार अभी भी चल रहा है। लगातार अपडेट हम आपको कर रहे हैं सीमावर्ती इलाकों की खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं, नौशहरा सेक्टर में सीजफायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन जारी है। राजौरी सुंदरबनी की बात करें तो राजौरी सुंदरबनी में इससे पहले पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन किया गया था, जिसके बाद अभी भी पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का सिलसिला लगातार जारी है, गोलीबारी का सिलसिला लगातार जारी है। पाकिस्तान लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। इस वक्त नौशहरा सेक्टर में लगातार सीजफायर उल्लंघन करते हुए पाकिस्तानी गोलीबारी की जा रही है, यानी पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी लगातार जारी है। नौशहरा सेक्टर में इस वक्त सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर से मैं आपको रूबरू करवा रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीजफायर का उल्लंघन जारी है। पाकिस्तान लगातार सीजफायर उल्लंघन कर रहा है, राजौरी हो, सुंदरबनी हो या फिर नौशहरा सेक्टर, हर तरफ पाकिस्तान की तरफ से सीमावर्ती इलाकों में गोलीबारी की जा रही है। जमशेद मलिक लगातार इस खबर पर हमें अपडेट दे रहे हैं। जमशेद, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि नौशहरा सेक्टर में एक बार फिर सीजफायर उल्लंघन किया गया है और अभी भी गोलीबारी लगातार जारी है पाकिस्तान की तरफ से। जी हर जी, इस वक्त फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन करते हुए कलाल डीन इलाके में लगातार गोलाबारी का सिलसिला शुरू किया हुआ है, जिससे लोगों में डर व खौफ देखने को मिल रहा है। और वहीं दूसरी जगह आज एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक के जो ये डींग और कलाल इलाका है, यहाँ के स्कूल बंद कर दिए हैं वहाँ के मकामी लोगों ने, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार ही पिछले 8 या 10 दिन से शहरी आबादी को निशाना बनाकर गोलाबारी की जा रही है, जिससे लोगों में काफी दहशत भी देखने को मिल रही है और लोगों में काफी गुस्सा भी देखने को इस बार मिल रहा है। क्योंकि लोगों का ये कहना है कि जिस तरह बड़े बड़े दावे हमारे साथ किए गए लाइन ऑफ कंट्रोल पर कई किस्म की सहूलियात देने के, वैसा कुछ नजर नहीं आया। क्योंकि डींग और लाल इलाके का परसों हमने दौरा भी किया और हमने खुद भी देखा, जमीनी सतह पर इस इलाके में अभी तक कोई बंकर नहीं बनाया गया है जिसमें गोलाबारी के दौरान लोग छुप सके, इससे लोगों में काफी गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। जमशेद, इससे पहले राजौरी की खबर भी सामने आई कि राजौरी और सुंदरबनी में भी पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर उल्लंघन किया गया हो। लोगों की अगर बात करें तो लोगों की जानी नुकसान की खबर कोई सामने तो नहीं आ रही अभी इस वक्त? जी, अगर कल से हम बात करें तो कल से राजौरी से लेकर पुंछ तक पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की गई है, जिसमें शाहपुर सेक्टर हो, दगवार सेक्टर हो, मनकोट मैंडर सेक्टर हो, राजौरी सुंदरबनी सेक्टर हो या नौशहरा सेक्टर हो, लगातार से इस इलाके को पाकिस्तान निशाना बनाकर गोलाबारी कर रहा है। मगर इसमें किसी जानी व माली नुकसान की खबर अभी तक सामने नहीं आई, मगर कुछ घरों को नुकसान पहुंचने की खबर जरूर सामने आई है। उसके साथ साथ कल गोलाबारी के दौरान एक फौजी एहलकार जख्मी जरूर हुआ था, मगर उसके बाद अभी तक किसी गोलाबारी से नुकसान की खबर नहीं है यहाँ, मगर लोगों में दहशत व डर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। जी बात करें अगर प्रशासन की तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है सीमावर्ती इलाकों के लोगों के लिए, क्योंकि लगातार आप हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, आपने कल बातचीत भी की थी लोगों से, लोगों का लगातार यही कहना है कि दहशत का माहौल उनके अंदर बना हुआ है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम?
हर चीज प्रशासन की तरफ से, जिस तरह पहले ही मैंने आपको बताया था कि प्रशासन की तरफ से पहले ही कुछ सरकारी बिल्डिंगों को देखा गया, अगर जरूरत पड़ती तो लोगों को फ्लाइंग करवा के इन इलाकों में लाया जाएगा। और दूसरी जानब प्रशासन की तरफ से पहले ही तमाम स्कूलों को हदायत दी गई है कि अगर गोलाबारी का सिलसिला शुरू हो जाता है तो उसी वक्त फौरी स्कूल को बंद किया जाए। प्रशासन की तरफ से तमाम तरह की बातें जरूर कही गई हैं, मगर जमीनी सतह पर अगर अभी आज हम बात करें कलाल की इलाके की बात करें तो वहां की बारे में वहां के कल लोगों ने यह कहा कि यहाँ जो एम्बुलेंस है वो भी ठीक नहीं पड़ी हुई है, ना इस इलाके में बंकर है। सिर्फ लोगों का ये है कि उनका ये कहना है कि गोलाबारी के दौरान अपनी मदद आप ये लोग कर पाते हैं क्योंकि प्रशासन की तरफ से इनको कोई मदद नहीं दी जाती। और दूसरा इनका ये कहना था कि अगर गोलाबारी के दौरान किसी जख्मी को निकालना पड़े तो उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल आती है क्योंकि हमारे पास बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस नहीं है, जिस कारण गाड़ी भी आगे जाना मुश्किल हो जाती है क्योंकि बहुत शिद्दत की गोलाबारी लगातार पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, जिससे लोगों में काफी दहशत का माहौल भी है। और लोगों में अब लोगों का ये भी कहना है कि आपकी बार पाकिस्तान को एक बार मुंह तोड़ जवाब दिया जाए ताकि पाकिस्तान इसके बाद इस तरह की हरकत ना करे, क्योंकि वो लोग ये भी कहते हैं कि आपकी बार फ्लाइंग भी नहीं किया जाएगा। हालांकि मैंडर और पुंछ से कुछ लोगों ने जरूर फ्लाइंग किया मगर नशा सक चुके लोगों ने इस बार फ्लाइंग करने से इंकार किया। उनका ये कहना है क्योंकि इस बार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, जिसके लिए हम तक पूरी जानकारी पहुंचाने के लिए तो इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन किया गया है। नौशहरा सेक्टर में पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया है, लगातार पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी जारी है। हालांकि भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, फिलहाल गोलीबारी का सिलसिला अभी थमा नहीं है और इस वक्त नौशहरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर उल्लंघन किया जा रहा है। लोगों का क्या कुछ कहना है वो आपको दिखा रहे हैं। जिला जो जिला की एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी साहब, एसपी साहब और जितने भी मतलब हमारे लोकल अफिसरान हैं, उन्होंने हमें सलोत्री से वहाँ हमारी जो फैमिली 13 फैमिली उनको यहाँ पे कनुइया हाई स्कूल में हमें यहाँ पे शिफ्ट किया है। और हमारे यहाँ पे जो खाने पीने का बंदोबस्त है हमें पूरा मतलब अच्छी सहूलियात है। और यहाँ पे सभी जो जिला के जिला अंतरिया एडमिनिस्ट्रेशन है उनका भी मतलब वो भी हमारा खाने पीने का अच्छा इंतजाम कर रहे हैं। यहाँ पे जो लोकल लोग हैं गाँव के वो भी हमारा अच्छा तावन कर रहे हैं, सब मिलके हमें खाने पीने का और रहने के लिए हमें कंबल भी दिए, सब कुछ दिया, बिस्तर दिए जी। अभी भी मैंने सुना कि अभी भी मतलब फायरिंग बॉर्डर पे हो रही है और पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी मतलब आज भी कल मैंने सुना था कि रात को भी, आज रात तो गई है, इस रात को भी मतलब फायरिंग जो 2-3-4 दिन से जो फायरिंग सलोत्री में हो रही है उसकी वजह से हमारे जो मकान है बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। जो हमारे जो 3 हमसे परिवार में से जो आदमी थे वो भी चले गए, तो इसलिए हम वहाँ से डीसी साहब ने यहाँ के लोकल एडमिशन ने हमें इस स्कूल में एडजस्ट किया, तो हमारी जो 13 फैमिली हैं वो इधर ही रह रही हैं। यहाँ भी हमें परेशानी है, सर्दी का मौसम है, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये आप देख रहे हैं, मैंने ये बच्चा भी उठाया है। तो इसी में गवर्नमेंट साहब से यही मेरी अपील है कि हमें जल्द से जल्द मदद करके, हमें गवर्नमेंट के पास बहुत से प्लाट हैं, हमें कोई सरकारी प्लाट दिया जाए जिसमें हम रहें, वहाँ हमारा जैसे और लोग अपनी जिंदगी बसर करते हैं ताकि हम वहाँ से निकाले जाएं, यहाँ किसी प्लाट में हमें प्लाट दिया जाए। हमें शेलिंग वाले दिन जो है हमने ये 13 फैमिलियाँ यहाँ पे शिफ्ट की थी जिसमें कुल जो है वो 49 आदमी थे, जिसमें 16 बच्चे हैं और बाकी मेल फीमेल हैं। इनको जो है यहाँ पे हमारे कैंप में जो है हर चीज़ प्रोवाइड की जाती है, इनको खाना जो है 3 टाइम का खाना भी है और जो मेडिकल फैसिलिटी है और किसी को कोई प्रॉब्लम है वो जो है हम देख रेख के लिए 24 आवर्स यहाँ पे। चलिए बात करते हैं अयोध्या केस की, क्योंकि अयोध्या केस में मध्यस्थता पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और जस्टिस बोबड़े का यह कहना है कि बातचीत से इसका हल निकलना चाहिए, जिसके बाद फैसला ये सुरक्षित रख लिया गया है। तो हम आपको बता रहे हैं कि अयोध्या केस में मध्यस्थता पर आज सुनवाई हुई और बातचीत से हल निकलना चाहिए, ऐसे जस्टिस बोबड़े का कहना है। वकीलों ने क्या कुछ बाहर निकलकर कहा वो हम आपको सबसे पहले दिखा देते हैं। मीडिएशन पे अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है और सुप्रीम कोर्ट के सामने हिंदू महासभा ने क्लियर स्टैंड रखा कि इस मैटर में मीडिएशन नहीं हो सकता है, सेटलमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान राम की जमीन है और पब्लिक नोटिस इशू करना पड़ेगा।
तो ये बताइए क्या क्या किस किस पक्ष ने क्या कहा है। देखिए हिंदू महासभा का क्लियर स्टैंड था और रामलला विराजमान का क्लियर स्टैंड था कि इस मैटर में मीडिएशन नहीं हो सकता है, ये भगवान राम की जमीन है और हम सिंगल इंच कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस मैटर को मीडिएशन के लिए ना भेजा जाए। और अगर आपको इस मैटर को मीडिएशन के लिए भेजना है तो आपको पब्लिक नोटिस इश्यू करनी पड़ेगी। राजीव धवन साहब ने और निर्मोही अखाड़ा ने मैटर को मीडिएशन को भेजे जाने की सहमति जताई है। पर जहां तक अगर दूसरे हिंदू पक्षों का सवाल है, हिंदू महासभा का, रामलला विराजमान का, उन्होंने क्लियर शब्दों में कहा है कि इस मैटर में मीडिएशन पॉसिबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की भी क्या रही है, क्या सवाल रहे हैं? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप पहले से क्यों अज्यूम कर रहे हैं कि मैटर में मीडिएशन फेल हो जाएगा, जिसपे हमारा कहना था ये भगवान राम की जमीन है और भगवान राम की जमीन पे हमें कॉम्प्रोमाइज करने का हक नहीं है, इसलिए इस मैटर में मीडिएशन नहीं हो सकता। और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आस्था का भी ये जिक्र किया है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें पता है ये आस्था का विषय, जस्टिस बोबडे ने कमेंट किया, हमें पता है ये आस्था का विषय है और लोगों की भावनाएं इसमें जुड़ी हुई है और इसीलिए हम सब सोच समझ के एक प्रयास कर रहे हैं कि मैटर मीडिएशन के लिए भेजा जाए, जिसपे हिंदू महासभा का क्लियर स्टैंड था कि ऑर्डर 1 रूल 8 सब क्लॉज 4 के तहत पब्लिक नोटिस जारी करनी है और पब्लिक के हर एक आदमी को बुलाना पड़ेगा मीडिएशन के लिए, जिसकी वजह से केस डिसाइड करने में बहुत देरी होगी, इसलिए इस मामले को मीडिएशन के लिए ना भेजा जाए। तो लगातार हम आपको खबर से अपडेट करवा रहे हैं कि अयोध्या मामले में मध्यस्थता पर आज सुनवाई हुई है और बातचीत से हल निकलना चाहिए, ऐसा जस्टिस का भी कहना है। जस्टिस बोबड़े ने लगातार ये कहा कि बातचीत से इसका हल निकलना चाहिए, जिसके बाद फैसले को सुरक्षित रखा गया है। तो इश्फाक गौहर लगातार इस पर सुबह से जानकारी दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सीनियर साथी इश्फाक गौहर जुड़ चुके हैं। इश्फाक, अगर बात कर ली जाए सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की, तो आज अयोध्या मामले के मध्यस्थता पर आज सुनवाई हुई है। अगर जस्टिस की बात करें तो जस्टिस बोबड़े ने भी कहा कि बातचीत से इस मसले का हल निकलना चाहिए, उसके बाद फैसला सुरक्षित रखा गया। देखिए ये सीधी सी बात थी, क्योंकि जो ही सुबह ये पूरा मामला शुरू हुआ था कोर्ट के अंदर, तो उसी वक्त ये लग रहा था कि शायद ये इतना जल्दी से कोई ऑर्डर नहीं आएगा, क्योंकि तेवर काफी सख्त थे सभी लोगों के। और जब अपनी अपनी बात सभी पक्षों की तरफ से जस्टिस के सामने रखी गई, अदालत के सामने रखी गई, तो उन्होंने एक बात को काफी क्लियर किया कि देखिए अगर 1% भी हमें ये लगता है कि इस प्रोसेस से कोई फायदा होगा तो हम इसको लेंगे, यानी मीडिएशन का जो मामला है, अगर हमें 1% भी ये लगता है कि हाँ मेडिटेशन से या मीडिएशन से मामला हल हो सकता है तो हम इसको करवाएंगे चाहे कुछ भी हो। तो यही वजह कि सबके पक्ष बात सुनने के बाद, जैसा कि हार्ड लाइन भी आए, सॉफ्ट लाइन बातें भी आई, हर एक बात सामने आई, लेकिन फिलहाल सबकी नजरें कोर्ट पर है कि अब नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, क्योंकि जिस कानून और RPC की बात जो कही जा रही है उसमें नोटिस निकालना, फिर आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करना, फिर कितने दिनों के अंदर वो करेगा, और फिर इसमें यह बात भी एक शर्त बताई गई है कि अगर ये सारा कुछ होता तो अंडर ट्रायल हो, कैमरा के अंदर हो, मीडिया को रेस्ट्रिक्टेड किया जाए इस पर कवरेज करने से, इस पर लिखने से, कुछ बात बोलने से, तो ये सारी चीजें जो है ये अगर होती है तो। वकीलों को सुना, वकीलों का यही कहना था कि अभी जब सुनवाई चल रही थी तो हिंदू पक्ष इस बातचीत के मसले पर सहमत नहीं है, अगर मुस्लिम पक्ष की बात करें तो इस पर सहमत है, ऐसा वकील ने कहा। अभी देखिए मैंने वही कहा कि अब सब नजरें जो है वो कोर्ट पर है, कोर्ट क्या फैसला लेगा इस पूरे मामले पर, क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना कि इससे तो और 5 साल लगेंगे, इससे 2 साल लगेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि जब फैसला जल्दी से जल्दी हो। और क्या कोर्ट उनकी बात से सहमत? एक मिनट, हम आपको रोकना चाहेंगे, हिंदू पक्ष क्या कुछ कह रहा है वो हम अपने दर्शकों को सुना देते हैं। सारे साक्ष्य उत्खनन पुरातत्व विभाग के द्वारा अगर सबको अगर उपेक्षित करके अब फिर अगर इस तरह से मामला को लटकाएगा तो लोग फिर कानून को हाथ में लेने के लिए मजबूर होंगे। हम लोग बार बार प्रयास कर रहे हैं कि मंदिर का निर्माण संवैधानिक दायरे में हो और उच्चतम न्यायालय आदेश करके तो देखें, हम लोग स्वीकार करेंगे। आप हिंदू मुसलमान मत देखिए, यहाँ जो है जब आतंकवाद का कोई धर्म और मजहब नहीं है, तो बाबर आतंकवादी था, बाबर विदेशी था, बाबर एकाकरणता था, बाबर इंडिया को लूटने के लिए आया था। अगर उच्चतम न्यायालय के जो जस्टिस हैं वो अगर इतिहास को जानते हैं तो इसलिए बाबर को खारिज करें, यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की आवश्यकता है, यहाँ आतंकवादी बाबर की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा जो है जजमेंट नहीं होता है तो निश्चित रूप से हम 100 करोड़ हिंदू और इसके बाद आप समझ लीजिए कि 98% मुसलमान हमारे साथ खड़े होंगे। 2% जो सेना पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, जो देश विरोधी नारा लगा रहे हैं, वही बाबरी पक्षकार हैं। उन लोगों से निपटने के लिए हम लोग फिर जो है सामने आएंगे, ये स्थिति न पैदा हो, इसलिए हम लोगों का बार बार आग्रह न्यायपालिका की ओर है कि न्यायपालिका निष्पक्ष जो भी आदेश कर दे हम सब लोग उसको सिरोधार्य करेंगे। लेकिन यदि न्यायपालिका
माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने एक बार कहा कि देर से मिला हुआ न्याय अन्याय के बराबर होता है। आज वो समय चरितार्थ हो रहा है कि जब समय आया, पहले तो न्यायपालिका जो है सेकंडों में कभी एक महीना टाल दिया, कभी दो महीना। तो बता दें आपको कि अयोध्या केस में मध्यस्थता पर सुनवाई हुई, जिसके बाद लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। इश्फाक गौहर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इश्फाक, हमने सुना कि साधु संत क्या कुछ कह रहे हैं। इससे पहले भी धर्म संसद हुआ, धर्म सभाएं हुई, जिसमें जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट पे जल्द से जल्द निर्णय निकाला जाए ऐसा कहा गया। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि बीजेपी इसी वादे के साथ आई थी कि राम मंदिर का निर्माण हो, तो आखिर इतनी देर क्यों? तो तकनीकी खराबी के कारण इश्फाक का संपर्क हमारे साथ टूट गया है। लगातार हम आपको खबर बता रहे हैं कि अयोध्या केस में मध्यस्थता पर सुनवाई हुई है। अगर जस्टिस की बात करें, जस्टिस बोबड़े की बात करें, तो उन्होंने कहा बातचीत से इसका हल निकलना चाहिए, उसके बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। चलिए अब हाईवे की खबर से भी आपको रूबरू करवा देते हैं, क्योंकि जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आज भी दोनों तरफ से यातायात बंद कर दिया गया। मंगलवार को बनिहाल और रामबान के बीच सलाड़ इलाके में हुए भूस्खलन के कारण कई गाड़ियां रास्ते में ही फंस गई थी, और आज सिर्फ श्रीनगर की ओर जाने वाली गाड़ियों को ही उनकी मंजिल की ओर रवाना किया गया है। आज ना तो जम्मू से श्रीनगर, ना ही श्रीनगर से जम्मू किसी गाड़ी को आगे बढ़ने की इजाजत दी गई। ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक हाईवे पर फंसी सैकड़ों गाड़ियों को वहां से निकालने की प्राथमिकता दी गई है। आज हालांकि श्रीनगर से जम्मू की ओर गाड़ियों को रवाना किया जाना था, लेकिन एन वक्त पर यह फैसला बदलना पड़ा। गौरतलब है कि इस साल रामबन से लेकर रामसू तक भारी मात्रा में भूस्खलन होने और पस्तियां गिरने से जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यातायात बेहद प्रभावित हुआ है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर लगातार यातायात प्रभावित हो रहा है। आज रस्ते में फंसी गाड़ियां श्रीनगर के लिए रवाना हो गई हैं। आपको हम बता दें कि लगातार हाईवे भूस्खलन और पस्तियां गिरने से बंद था। जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू यातायात पूरी तरह से ठप था, और जम्मू श्रीनगर हाईवे लगातार बाधित हो रहा है। लगातार भूस्खलन और पस्तियां गिरने से ये हाईवे बाधित हो जाता है, लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कभी एक तरफा यात तो कभी दोनों तरफा यातायात खुल जाता है, जिसकी वजह से लोगों में थोड़ी राहत की उम्मीद जरूर जगती है। अगर मौसम की बात करें तो पिछले दिनों मौसम बेहद खराब था जम्मू कश्मीर का, हल्की बर्फबारी हुई, बारिश हुई, जिसके बाद हाईवे वहां ठप हो गया, जिसके बाद एक तरफा यातायात को भी खोल दिया गया। लेकिन अब आज रस्ते में फंसी गाड़ियों को श्रीनगर के लिए रवाना कर दिया गया। जम्मू संभाग के समर जोन के अधीन आने वाले इलाकों में आज 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। जम्मू में पिछले दिनों हालात खराब होने के कारण ये परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी, जिन्हें आज से शुरू करवाने का फैसला ले लिया गया। आज पहले दिन अंग्रेजी का पेपर लिया गया। इन परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। इसके लिए कई फ्लाइंग स्क्वाड गठित किए गए हैं, जो परीक्षा केंद्रों पर नजर रखे हुए हैं। इसके अलावा सुरक्षा के लिए भी तमाम परीक्षा केंद्र पर पुलिस की तैनाती कर दी गई। हजारों छात्रों के भविष्य का दारोमदार इन परीक्षाओं पर है, और उनमें भरपूर आत्मविश्वास भी देखा जा रहा है। ये जो एग्जाम शुरू हुए हैं, 10वीं क्लास जिसको बोलते हैं, कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से ये पोस्टपोन हो गए थे, और आज पहला पेपर है। कल 12वीं का शुरू हुआ था, वो भी बहुत पीसफुल रहा। उसमें भी कोई 700 से 800 बच्चों ने इम्तिहान दिया, जो रेगुलर बच्चे थे। और आज जो ये 10वीं क्लास के बच्चे हैं, 5 सेंटर बने हुए हैं स्कूल में, और उनमें तकरीबन 700 बच्चे हैं। हर सेंटर में 140 से 150 बच्चे हैं, और सब बच्चे आए हुए हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई रह गया हो। बच्चों में बहुत जोश है, और पूरे बच्चे जो हैं 9 बजे से ही एग्जामिनेशन हॉल में, 9 बजे से ही वो सुबह हमारे स्कूलों में आना शुरू हो गए थे। और उम्मीद है कि अपने टाइम पे बाकी पेपर होंगे, और रिजल्ट भी अपने टाइम पे आएंगे, और बच्चे भी जो हैं काफ़ी जोश से आ रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई डर या घबराहट है। 10th क्लास में तो सब पेपर इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, और सब पेपर्स में बराबर की स्ट्रेंथ होती है। 12th में पेपर्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा स्तर को बेहतर बनाने के लिए एक और कदम आगे बढ़ाते हुए बारी
खंड गांव के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में डेस्क आदि वितरित किए, जिसमें बच्चों को इस आधुनिक युग में आगे बढ़ने की मदद मिलेगी। दूरदराज के इलाकों में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को बुनियादी सुविधाएं न होने के कारण काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। इसे देखते हुए भारतीय सेना ने ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षा स्तर के बुनियादी ढांचों को बेहतर बनाने का बीड़ा उठाया। आपको बता दें कि लगातार सेना ऑपरेशन संभावना के तहत मुहिम चला रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास लगातार जारी है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन संभावना के तहत एक मुहिम छेड़ी है, जिसके तहत बच्चों को तमाम तरह की सुविधाएं भी दी जा रही हैं और बेहतर प्रयास देने की कोशिश की जा रही है। इंडियन आर्मी की तरफ से हमें 25 डेस्क, 4 कंप्यूटर, 1 लैपटॉप और 1 वाटर कूलर मिला। बच्चों की इससे नॉलेज बढ़ेगी, कंप्यूटर सीखेंगे, आगे होकर ये बड़े होकर आगे क्लासों में बच्चे ये और ज्यादा गेन करेंगे, कहीं भी किसी किस्म की इनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेन कमी तो ये ब्रिज की है, दोनों तरफ ये नाले हैं, बच्चे बरसात के मौसम में वो आ नहीं पाते हैं, तो ये मेन तो यही है। तो बाकी एक कमरे की जरूरत है हमें। पहले हम नीचे बैठते थे टाट के ऊपर, अब डेस्क के ऊपर बैठते हैं। आगे वाले टाइम के लिए कंप्यूटर की बहुत जरूरत है। बहुत अच्छा लगा कि जो इंडियन आर्मी वालों ने जो हमारे स्कूल की जो हेल्प की है, इसमें बच्चे पढ़ते हैं हमारे, और पहले जो है इनको बड़ी तकलीफें होती थी, जो कि बाहर बैठते थे, नीचे बैठते थे। अब इनको जो इंडियन आर्मी वालों ने जो इनको डेस्क वगैरह दिए हैं, अब इनको बैठने के लिए भी अच्छा लगेगा, और इनको जो है इंडियन आर्मी वालों ने कंप्यूटर भी दिया है, जिसकी वजह से इनकी जो आने वाली जो जिंदगी है वो इसके लिए बहुत फायदा होगा इन बच्चों को। ये सर इंडियन आर्मी वाले बहुत हेल्प करते हैं, बहुत मदद करते हैं कि जो आज के जो बच्चे हैं, जो मतलब के गांव के साइड में जो गवर्नमेंट स्कूलों में जो है, उनके लिए इंडियन आर्मी वाले बहुत हेल्प करते हैं, मदद करते हैं कि वो आइंदा आने वाले टाइम में कि उनको हर किस्म की जो है, जो भी उनको जो परेशानी आने वाली है लाइफ के अंदर, उस चीज को जो है दूर किया जाए। पुलवामा हमला बीते कुछ समय से सभी के बीच चर्चाओं में रहा है। अब एक बार फिर पुलवामा चर्चाओं में है, लेकिन इस बार किसी गलत कारणों से नहीं बल्कि धार्मिक सद्भाव को लेकर चर्चा में है। दरअसल पुलवामा में मुसलमान और पंडित मिलकर 80 साल पुराने मंदिर की मरम्मत करा रहे हैं। हाल में देशभर में कश्मीरियों पर होने वाले हमलों को लेकर काम रुका हुआ था। इसी मंदिर के पास ही एक मस्जिद भी है। धार्मिक सद्भाव को लेकर हिंदू मुस्लिमों ने हाथ मिलाया और पुलवामा के अचल गांव में नवनिर्माण कार्य शुरू किया गया। 14 फरवरी को हुए हमले के बाद शिवरात्रि के दिन दोनों समाज के लोग एकजुट हुए और मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया गया। तो आपको बता दें कि पुलवामा के गांव ने पेश की है मिसाल, जिसमें मुस्लिमों ने हिंदुओं के साथ मिलकर जो बेहद पुराना मंदिर था उसको वो बनवा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व सरकारों की अनदेखी का दंश झेल रहे लोगों ने जख्मों पर राष्ट्रपति शासन में भी मरहम नहीं लग पाई है। जम्मू शहर के कई इलाकों में जहां सड़कों की हालत बद से बदतर हो गई है, वहीं ग्रामीण हलकों में क्या सूरत हाल है वो हम आपको दिखा रहे हैं। लोग क्या कुछ कहते हैं वो आप देखिए। तीन चार साल हो गए सर, ये रोड है इन्ना टट्टा भज्जा के सर खुलता कोई नहीं जी। तो पहले तो ये MLA साहब भी इधर 2-3 मिनट चक्कर ला गए ना, तो कहते बन जाए साहब बनाया तो कहे लिया। इसे तरह के खड्डे कई सारे दिन इधर कई एक्सीडेंट होते रहते हैं, बात कोई पुछता नहीं सर इस रोड की। अस चाहते हैं कि रोड बनाया जाए जी।
ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਰੋਡ? ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੀ, ਆਉਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਦੀ। ਰੋਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਰੋਡ ਤੇ ਨਾ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੜੇ ਰੋਡ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਰੋਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਦਫ਼ਾ ਗਏ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਰੋਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਡੇਬਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਮੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਜੁੜਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਰੋਡ ਦਾ ਜਨਾਬ। रोड बनने। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।